तो और भाई क्या हालचाल। तो देखिए, आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो आपके लिए सिंपल तरीका है, आपका 100% ये अकाउंट रिकवर हो जाएगा इस टाइप का अगर आपको कोई प्रॉब्लम चले। तो सबसे पहले मैं इस अकाउंट को रिकवर करके बताता हूँ आपको, और फिर इसके बाद बताऊँगा कि जिन लोगों के अकाउंट रिकवर नहीं हो रहे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको मैंने लॉगिन करने की कोशिश की तो ये सीधे आइडेंटिटी कन्फर्म मांग रही है, तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो देखिए उसके बाद देखिए ये मेरे को कुछ ऑप्शन दिखाएगी। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, कंटिन्यू करोगे तो देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मैं वो दो ऑप्शन तो गायब ही हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दिखते हैं, अब इनमें से नीचे के जो दो हैं, एक फ़ोटो फ्रेंड मतलब फ्रेंड के फ़ोटो को पहचानना होता है, और दूसरा होता है अपने कमेंट को पहचानना। तो यहाँ पर यार तीन तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो तीनों को मैं लास्ट में डिस्कशन करूँगा आपको। उससे पहले मैं इस अकाउंट को रिकवर करता हूँ। क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे सर्च या फाइंड अकाउंट पे अपनी आईडी का नंबर या फिर आईडी का लिंक पेस्ट कर देना है, तो आपकी आईडी यहाँ पे सर्च में आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर आपके पास नंबर है उस आईडी का तो आप कोड मंगा सकते हो, और आईडी का नाम कोड से आ जाएगा, या फिर अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप पासवर्ड चॉइस कर सकते हो। तो मेरे पास पासवर्ड है इसका, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और इस आईडी को ओपन करूँगा। अब जैसे ही ओपन करूँगा इस आईडी को, तो देखिए इस आईडी पे क्या दिखाएगा, वो कन्फर्मेशन मांग रहा है। तो देखिए मैं कंटिन्यू करता हूँ इस चीज़ को, और कंटिन्यू करूँगा जैसे ही, तो देखिए मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स वाला दिखा रहा है और कमेंट वाला दिखा रहा है, तो मैं कमेंट वाला ज़्यादा चॉइस करूँगा, क्योंकि यार देखो फ्रेंड किसी का भी दिखा सकता है। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में 5000 फ्रेंड है तो किसी का भी फोटो दे देगा, तो यार कहाँ तक पहचानेंगे। अगर मान लो कि कमेंट तो आपने किया है तो यार आपको याद रहेगा, कमेंट के पहचान लोगे। तो मैं देखो यहाँ पर कमेंट पहचान लेता हूँ कि मैंने ये कमेंट है, तो वो कमेंट तो यार अपने ही दिखाएगा, और दो चार एक हाथ दो के दिखा देगा, क्योंकि उसमें चार कमेंट को कंफर्म करना होता, तो कर दिया। अब उसके बाद जैसे किया तो देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपडेट मांग रहा और आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, और ये देखिए ये अकाउंट रिकवर हो जाएगा। जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये अकाउंट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कमेंट सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि कमेंट आपको पता रहता है ना कि आपने किए हैं, ठीक है। आप अगर आप फ्रेंड वाला चॉइस करते हो, ठीक है, तो क्योंकि फ्रेंड्स तो यार आपकी आईडी में कई कई हो सकते हैं, तो वो उनकी फ़ोटो दिखा देगा, तो यार मान लो कि नहीं पहचान पाए तो वो आईडी फिर 24 घंटे के लिए फिर हमको फिर से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ये आईडी ओपन हो चुकी है। अब मैं ये इस आईडी के अब मैं उन तीन कंडीशन के बारे में बताऊँगा जिससे यार आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आती हो। ये अकाउंट तो रिकवर हो गया, अब सवाल ये उठता है कि ये जो आईडी है कन्फर्मेशन पर क्यों जाती है। आप कई बार एक नहीं दो तीन लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट को दे देते हो, तो आजकल कॉमन हो चुका है यार आप फेसबुक अकाउंट किसी को भी दे रहे हैं। लॉगिन होता है तो आईपी एड्रेस जाता है उसके पास फेसबुक के सर्वर पर, कारण वो आपके अकाउंट के जो डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं उसके कारण वो आपको फेसबुक अकाउंट को कन्फर्मेशन पर भेज देता है। का एक ऐसा शक होता है कि जैसे आपका जो अकाउंट है वो किसी और के पास गया, मतलब आपका अकाउंट हैक हुआ है, तो इस टाइप से वो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के कारण वो आपके अकाउंट को कन्फर्मेशन पर भेज देता है कि किसी और बंदे ने आपका अकाउंट एक्सेस तो नहीं कर लिया। इस कारण वो आपके अकाउंट के जो डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं उसके कारण वो आपको फेसबुक अकाउंट को कन्फर्मेशन पर भेज देता। अब जो सेकेंड जो इसकी बात आती है, जैसे आपको किसी ने रिपोर्ट किया कि फेक अकाउंट का, तो अगर आपके अकाउंट में कुछ भी कमी होती है तो फेसबुक आपके अकाउंट को आइडेंटिटी कन्फर्मेशन पर भेज देगा या फिर वो लॉक कर देता है। अब बात आती है कि इस अकाउंट को रिकवर कैसे करें, ठीक है। अब अकाउंट को रिकवर करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है। अब जैसे ही लॉगिन करता है तो उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, कंप्यूटर वाला ऑप्शन आता है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन आता है तो वो लोग सोचते हैं कि यार हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हम अपने अकाउंट को कैसे रिकवर करें। तो अगर यही वाला ऑप्शन दिख रहा है बार बार, तो आपको क्या करना है, उस अकाउंट को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अगले दिन ओपन करोगे तो आपके पास इस टाइप, तो उनके पास न्यू ऑप्शन आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ का आ जाएगा और कमेंट का आ जाएगा, और कमेंट का और फ्रेंड एंड फोटो। अब जैसे ही फ्रेंड एंड फोटो आएगा तो सबसे पहले जो ऑप्शन आना है
तो आपको सबसे पहले अगर कोई भी ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे पहले आपके अकाउंट का जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आपको पता है तो आप सबसे पहले उसी चीज़ को कंफर्म करें। डेट ऑफ बर्थ से जो आपका आईडी कंफर्मेशन होगा सबसे बेस्ट होगा। अगर वो भी नहीं होता तो आपको फ्रेंड ऑफ फोटो सबसे लास्ट में ट्राई करना, उससे पहले आपको एक कमेंट का ट्राई कर लेना है, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ सही आपसे याद है तो ही अगर आप उस ऑप्शन को लेना, वरना मेरी मानोगे तो आप कमेंट वाले ऑप्शन को लेना, क्योंकि कमेंट आप लोग करते तो आपको तो मैं कमेंट वाला ऑप्शन लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपने किया है। कमेंट में वो छः कमेंट दिखाएगा आपको, और छः कमेंट में से आपको चार कमेंट पहचानने हैं कि आपके हैं। तो छः कमेंट जो होंगे अगर आप, तो आप अपने कमेंट को सबसे पहले ट्राई कर लो, पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि यार आपने वो कमेंट किया तो आपको याद रहेगा ना कि आपने किसके उस पर किया था, तो आपको कमेंट पहचानने में बहुत जल्दी आसानी होगी। अगर उस पर अगर आप, ठीक है, अब फेसबुक अकाउंट का जो आप फ्रेंड है फ़ोटो का करते हो, फिर फ्रेंड के फ़ोटो, तो मान लो अगर आपके अकाउंट में 1-2 हज़ार लोग हैं और उसमें से उसने रेंडमली किसी भी फ्रेंड का आपको फ़ोटो दिखा दिया, तो आपका जो अकाउंट होगा ना, अगर आपको नाम नहीं पता था वो अकाउंट, फिर तो ऐसे में होगा क्या कि वो जो अगर आप 2 से 3 लोगों के फोटो को नहीं पहचान पाए ढंग से, तो यार आपका अकाउंट फिर 24 घंटे के लिए उसी वो ऑप्शन को हटा देगा और आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, और वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो आपको फिर 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। और जिन लोगों के फ़ोन में वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो उनको बस 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे वेट करने के बाद आपको उसको आईडी को दोबारा से ओपन कर लेना है, और जैसे ही ओपन करोगे तो आपको न्यू वाले ऑप्शन जो आपके ब्लॉक हो चुके थे, लिमिट ख़त्म हो चुकी थी, तो वो फिर से आपके दोबारा से आ जाएंगे। अब इसके बाद जो अकाउंट की बारी आती है यार, सबसे ख़तरनाक जो अकाउंट है जिसके पास भाई ईमेल भी नहीं है, एड्रेस भी ईमेल एड्रेस नहीं है उसका, ना ही उसके पास नंबर है और ना ही उसके पास पासवर्ड है, अब वो कैसे लाएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्या है, ऐसे अकाउंट के लिए यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा अकाउंट मतलब 50-50 है कि आप लोगों को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यार जब उसके पास कुछ भी आईडी प्रूफ ही नहीं है तो यार कैसे रहे, ठीक है। तो यार उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर किसी भाई का इस टाइप का अकाउंट फंस गया है, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, और उस आप मेरे को वहाँ पर कॉल कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर कॉल पे बात करूँगा, आपके प्रॉब्लम को सुनूंगा और आपको बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और किस टाइप से आपका अकाउंट रिकवर होगा। तो यार उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो यार आपको इतना सब कुछ जानने के बाद कितना अच्छा लगा, तो यार आपको क्या चीज़ जान के अच्छा लगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो और इस टाइप की नॉलेज आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर, तो मैं आपसे, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस टाइप का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा, और कमेंट